एट देखो, एट में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी और क्यू ये है, यानी कि पी और क्यू दो पॉइंट दिए हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ठीक है, पहले तो एट्थ क्वेश्चन में हम पी और क्यू लिख लेते हैं। तो भैया पी पॉइंट है हमारा 1, 2, 3 और क्यू पॉइंट क्या है भैया हमारा 4, 5, 6। ये पी है, ये क्यू है। अगर मैं पहले आपसे पी क्यू वैक्टर की बात करूं, किसकी, पी क्यू वैक्टर की, तो वो क्या होगा, दो पॉइंट से हम वेक्टर कैसे लिखते हैं बताओ, कैसे लिखते हैं दो पॉइंट से वेक्टर, स्क्वायर सॉरी x2 - x1 आई कैप याद आया, y2 - y1 यानी 5 - 2 जे कैप, प्लस z2 - z1 यानी 6 - 3 के कैप, ऐसे तो लिखेंगे। तो फाइनली हमारा पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i कैप 3j कैप प्लस का 3k कैप। देख लो जरा, अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर जो है क्या होता है, जो भी ये वेक्टर है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, किससे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। आपको यही सिखाया था मैंने कि कोई अगर ए कैप निकालना है तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही सीखा हम लोगों ने। ठीक है, तो बस वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कितना आएगा। देखना पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, इक्वल टू, तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो आएगा इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 प्लस 9 कितना आ गया, 27, और 27 की अगर प्राइम फैक्टर करें तो क्या वो कितना आएगा, 3√3 आ जाएगा ना, 3√3 आएगा। आप चेक करो इतना वीडियो पॉज करके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, कि हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 3√3 आ गया है। अब इस 3√3 को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो देखो पी क्यू वैक्टर हमारा कितना है, 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप अपॉन इसका पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3√3 है, कितना है, 3√3 है। अब आप 3√3 से सब में डिवाइड कर दो, सब में, तो भाई 3 में डिवाइड हुआ 3√3 का, फिर इस 3 में भी हुआ 3√3 का, फिर इस 3 में भी डिवाइड हो जाएगा 3√3 का, ऐसा आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया इसमें, 1/√3 i कैप, यहाँ से 3 3 कट गया 1/√3 j कैप, यहाँ से 3 3 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1/√3 k कैप। चेक कर लो कितना आ गया, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। तो ये मिल गया हमें यूनिट वेक्टर, ठीक है, यही दे रखा है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समझो 9 में लिखा है फॉर अ गिवन वेक्टर ए बी, ए और बी दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो बस ए प्लस बी निकाल लो और इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्या दिक्कत है, नोट कर लिया इसको। अब देखो